हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिस शैरन रोशन, योर टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल। टुडे विल बी लर्निंग चैप्टर 10, द डक एंड द कैंगरू। द डक एंड द कैंगरू। ओके, सो टेल मी दिस, डू यू लाइक टू ट्रैवल? क्या आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है? आपको यहाँ वहाँ जाना पसंद है? व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट ट्रैवल? आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करते समय? देखो, जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जब घूमने जाती हूँ तो मुझे बहुत सारा चटर बटर आइटम्स, जो स्नैक्स रहते हैं, वो खाना बहुत पसंद है ट्रैवलिंग करते समय। सो वैसे ही आपको क्या पसंद है ट्रैवलिंग करते समय? मतलब ट्रैवलिंग करते समय क्या इंटरेस्टिंग लगता है आपको? क्यों पसंद है घूमना? प्लस मुझे अलग अलग जगह पर जाना पसंद है। तो वैसे आपका इंटरेस्ट क्या है ट्रैवलिंग को लेकर? वॉट वुड यू लाइक टू गो ऑन अ वर्ल्ड टूर विद अ फ्रेंड? क्या आप लोग पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड टूर करना पसंद करोगे आपके फ्रेंड्स के साथ? सो लेट्स नाउ रीड अ पोयम अबाउट टू फ्रेंड्स। नाउ विल लर्न द पोयम अबाउट द टू फ्रेंड्स, अ डक एंड अ कैंगरू। ओके, एंड फाइंड आउट वॉट एडवेंचर दे आर प्लानिंग। हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वो लोग क्या एडवेंचर प्लान कर रहे हैं। So this poem is written by Edward Lear. It is written by Edward Lear. So Mr. Edward Lear was born in 1812. Okay, 1818. Was an English poet. He was an English poet, illustrator, and painter. He is a famous in the literary world for his non-sensual poems. He popularized the limerick, a form of poetry that has 5 lines. His famous works include The Owl and The Pussycat and A Book of Nonsense, a collection of limericks. उन्होंने ऐसे भी poems लिखे हैं सिर्फ जो 5 sentence के भी होते हैं, और उनके famous work, मतलब उनके famous कामों में वो कौन किस चीज़ों को include करते थे? The Owl and the Pussycat. Okay, so let's see, we'll go through the poem, which is about two friends over here. Said the duck to the kangaroo, good gracious, how you hop. Good gracious यानी an expression of surprise, disappointment or shock. वो shock हो जाती है कि तुम hop कैसे करते हो, तुम jump करते हो। तुमको मालूम है ना, कंगारू हमेशा चल के नहीं जाता है, वो हॉप करके जाता है, फिर कूद कूद के जाता है। तो डक उसकी फ्रेंड रहती है, कंगारू एंड ये डक जो है, ये दोनों फ्रेंड्स होते हैं। तो व्हाट शी सेज, हाउ डू यू हॉप, वो एकदम सरप्राइज रहती कि तुम हॉप कैसे करते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, बोलती है पूरे खेती बाड़ी में, जंगल में, पानी में भी तुम हॉप करते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, जैसे कि तुम कभी स्टॉप ही नहीं होने वाले। माई लाइफ इज बोर इन द नैस्टी पॉन्ड। बोर यानी कि एन एक्सट्रीमली डल और अन इंटरेस्टिंग सिचुएशन। नैस्टी यानी कि अनप्लेजेंट। ओके, तो वो डक क्या बोलती है कि मेरी लाइफ तो बहुत बोरिंग है, उसको कुछ इंटरेस्टिंग लगता नहीं है। नैस्टी पॉन्ड, ये पॉन्ड में ही उसकी लाइफ है। एंड आई लॉन्ग, लॉन्ग यानी कि हैव अ स्ट्रॉन्ग विश। मुझे एक स्ट्रॉन्ग विश है टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। पूरे वर्ल्ड में घूमने की उसकी एक इच्छा होती है, बड़ी इच्छा होती है। सो आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, सेड द डक टू द कैंगरू। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू, सेड द डक टू द कैंगरू। क्या बोलती है, काश मैं तुम्हारे जैसे कूद सकती थी, काश मैं तुम्हारे साथ जैसे हॉप कर सकती थी। ये कौन बोलता है? डक बोलती है कैंगरू से। सो प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगरू। डक क्या बोलती है, प्लीज मुझे एक राइड दो ना, आपके पीठ पे बैठना है और हम फिर राइड करेंगे। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। आई वुड स्टिल सिट क्वाइट एंड नथिंग बट क्वैक। क्या बोलती है कि मैं पूरे शांत बैठूंगी, एकदम साइलेंटली बैठूंगी, लेकिन सिर्फ क्या बोलूंगी, क्वैक बोलूंगी, क्वैक।
the whole of the long day through, please take me ride or do, बोलिए पूरा दिन कंप्लीट होने तक प्लीज़ टेक मी योर राइड ओ डू सेड द डक टू द कांगरू. डक क्या किसको बोलती है? कांगरू से बोलती है, अपने फ्रेंड से बोलती है. सेड द कांगरू टू द डक, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शंस. क्या बोलता है कांगरू? कांगरू क्या बोलता है डक से? डक को बोलता है इसके लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा. आई नीड सम रिफ्लेक्शन. लिटिल रिफ्लेक्शन यानी कि थॉट, उसे सोचना पड़ेगा. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक. क्या बोलती है? शायद ये मेरे लिए एक लक होगा. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन यानी कि डिसएग्रीमेंट. एंड देयर सीम वन डिसएग्रीमेंट विच इज़ इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड. अगर तुम मुझे इतना ओपनली बोल्डली बात करने अलाउ करेगी. Your feet are unpleasantly wet and cold. बोलते तुम्हारे जो पैर है, ये कौन बोलते हैं? कंगारू बोलते हैं. क्या बोलते हैं? तुम्हारे जो पाँव है वो पूरे एकदम कोल्ड है, ठंडे हैं, पानी से गीले होते हैं हमेशा. Which is, if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatics. यानी कि रू मैटिक्स यानी कि द डिजीज रियोमेटिज्म विच कॉसेज पेन इन द जॉइंट्स. ये जो एक डिजीज का नाम है, बोलते हैं कि तुम्हारे जो गीले पैर तुम मेरे पीठ पे रखोगे ना, तो ये प्रॉपरली मुझे एक बीमारी दे सकता है. जो जॉइंट्स, मेरे जो बोन्स है, जो जॉइंट्स है, उसमें पेन आ जाएगा. सेट द कंगारू. कंगारू कौन बोलता है ये सारी चीज़ें? कंगारू डक से बोलता है. ओके, सो सेट डक, As I sat on the rocks, I have thought over that completely and I brought four pairs of worsted socks. Worsted socks यानी कि worsted यानी कि worsted यानी कि woolen. woolen के socks मैं लेकर आ जाऊंगी. जैसे मैं rocks पर बैठती हूँ वैसे ही I have thought over that completely. तो मैं एक वोस्टेड वुलन के सॉक्स लेकर आ जाऊंगी. विच फीट माई वेब फीट नीटली, जो मेरे पैर को कम्प्लीटली कवर कर लेगा, नीटली कवर कर लेगा. सेट द कंगारू, आई एम रेडी. कंगारू क्या बोलते हैं? ठीक है फिर, आई एम रेडी. ऑल इन द मूनलाइट पेल बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सेट स्टडी. क्या बोलता है कि पूरा मूनलाइट जो है, पूरे मूनलाइट में हम घूमेंगे, ठीक है, जब तक मूनलाइट है तुम्हें अच्छे से बैलेंस करना है. तो डक को बोलता है सिट स्टडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माय टेल. बोलता है मेरे टेल के एकदम लास्ट एंड पे बैठना. सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड. बाउंड यानी कि लीप. एंड दे हॉप्ड एंड द होल वर्ल्ड थ्री टाइम्स. पूरे वर्ल्ड में उन्होंने कितना टाइम्स हॉप किया? थ्री टाइम्स राउंड. एंड हु सो हैप्पी ओ हो एज अ डक एंड द कंगारू. कौन हैप्पी था? एज अ डक एंड द कंगारू. सो द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर. कैन सी द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स और फ्रेसेस ऑन द पोयम दैट यू हैव टू कंप्लीट लुकिंग एट द पोयम. ओके, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स which is in brief or answer the questions, all this you have to write in your notebook. सबके नोटबुक में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं. वी हैव सेंड यू द आंसर कीज ऑफ दिस. सो लुकिंग एट इट यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके.